जिस तरीके से आदिवासियों के पहचान को जो मिटाने का काम हुआ है, आप जानते हैं कि जिसकी पहचान नहीं रहती उसका न मान रहता, न सम्मान रहता, न गौरव रहता, कुछ नहीं रहता। और धीरे धीरे जिसका मान सम्मान और गौरव खत्म होता जाता है, वैसे वैसे वो समाज धरातल में गिरता जाता है, उसकी अपनी सब कुछ छिन जाती है, उसमें धन संपत्ति शिक्षा राजनीति सब कुछ कमजोर हो जाती है। और यही कारण है कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, इस पहचान को, क्योंकि इस देश के हम लोग मालिक रहे हैं, इस देश के हम राजा और महाराजा रहे हैं, और इसलिए राजा महाराजाओं को अंग्रेजों के बाद यदि राजा महाराजाओं को उनकी आइडेंटिटी को यथास्थित रखा जाता तो साथियों इस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रदेश की सरकारों में हमारा आदिवासी समुदाय का आदमी बैठा रहता, मुखिया बन के बैठा रहता, मुख्यमंत्री बन के बैठा रहता। लेकिन देखिए उस पहचान को जो अंदर से आत्मस्वाभिमान पैदा करता था, हिम्मत पैदा करता था, एकजुटता पैदा करता था, ऐसे तत्वों को धीरे 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 करके जो वर्तमान सत्ताएं हैं, जो तत्कालीन सत्ताएं हैं, इन्होंने उस आइडेंटिटी को धीरे धीरे खत्म करने का काम किया। इसलिए अब विदेशियों की भाषा, विदेशियों के धर्म यहाँ पर मान्यता प्राप्त है, तो ईसाई मुस्लिम सिख आदि जो बाहर, यानी सिख तो स्थानीय है, ईसाइयत इस्लाम और आर्य जिनको हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, ये तो बाहर के धर्म है ना, वो धर्म इस देश के संविधान में सम्मान पा रहे हैं, वो इस देश में मान सम्मान और गौरव के साथ आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। और इस देश का असली जो धर्म है, मूल धर्म है, इस धर्म की यहाँ कोई पूछ नहीं है, और इसलिए इसकी पूछ को बढ़ाने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। उनका काम है, दुश्मन का काम है कि इस देश का मूल मालिक सत्ताधारी रहा है, ऐसा सत्ताधारी की आइडेंटिटी, उसकी पहचान को, उसके आत्मविश्वास और हिम्मत को घटाया जाए। लेकिन हमारा भी दायित्व होता है, हमारा भी दायित्व होता है साथियों कि हम अपने मान सम्मान गौरव को किस तरीके से बढ़ाएं, हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को किस तरीके से स्थापित करें, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और उसमें प्रयास में लगे साथियों, सबसे पहले इस बात का प्रयास किया गया, हम अभी इतिहास से धोखा कर रहे हैं, किस तरीके से कहाँ कहाँ हमें घाटा सहना पड़ा, कहाँ कहाँ हम आज तक की अभी इस स्थिति पे पहुंचे हैं, तो उसके पीछे कारण को आप जानेंगे। तो साथियों आजादी के पूर्व जो अपनी पहचान के रूप में आप लोगों को बताया गया कि 1871 से 1931 तक हमारी पहचान को बड़ा पृथक से ये आदिवासी पहचान को बनाई, धार्मिक पहचान को बनाए रखा गया, परंतु जैसे ही आजादी मिलती है, आजादी के बाद साथियों हमारी पहचान को मिटाने का काम हुआ, और वहां पर हमारी जो असली पहचान थी, कहते हैं ना कि कमजोर कर दिया जाए तो उसका बेटा सिर झुका के चलता है, उसी बात मानते हैं, वो कमजोर हो गई और इसके कारण हम मुंह दिखाने लायक नहीं किसी के सामने रहे, और इसके कारण साथियों उन सब चीजों को मिटाने का काम हुआ, भाषा को भी मिटाने का काम हुआ। बड़े मुश्किल से 8वीं अनुसूची में कुछ स्थानीय भाषाएं सम्मिलित हुई, लेकिन आज भी गौंडी भाषा जैसी भाषाएं जो पुरातन काल से बोली जाती हैं, वो भाषाएं भी यहाँ पर 8वीं अनुसूची में आज तक शामिल नहीं हुई। इस देश का जो असली धर्म है, मूल धर्म है, जिसको हम धर्म नहीं बल्कि एक रास्ता कहते हैं अपने आप में, प्रकृति का रास्ता, और उस रास्ते को भी साथियों आपसे मिटाने का काम हुआ, जबकि क्या अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ क्या कहता है, यूएनओ को भी चिंता है कि दुनिया के जो आदिवासी हैं यही धरती को बचा सकते हैं, दुनिया के आदिवासी हैं यही मानवता की शिक्षा दे सकते हैं, और इसलिए इनकी मानवता की शिक्षा देने वाला समुदाय लुप्त ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, उसका रास्ता, उसकी धर्म, उसकी संस्कृति नष्ट ना हो जाए, इसलिए यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी संस्था है, उस संस्था में हमारे लिए हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे रीति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए दिशा निर्देश सारी दुनिया के देशों को दिशा निर्देश दिया गया, और उसी दिशा निर्देश के आधार पर साथियों हमारे देश में, हमारे भारत देश के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 5वीं और 6वीं अनुसूची हमारे देश में हमारी भाषा, धर्म और संस्कृति, हमारी परंपराओं को जीवित रखने के लिए सरकारों को संरक्षण देना था, लेकिन संरक्षणकारी तरीके से साथियों संविधान में प्रावधान होने के बाद
बावजूद इसको संरक्षण देने का काम नहीं हुआ। उसको कहीं पैसा कानून बना के, पांचवें सी को पैसा कानून बना के तोड़ मरोड़ किया गया, तो और न जाने क्या क्या करने का काम हुआ। और इसलिए साथियों, जब हमारे लिए संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था है कि हमारे धर्म संस्कृति को संरक्षण दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में सरकारों को चाहिए कि हमारे धर्म और संस्कृति को संरक्षण करें, हमारी रीति और परंपराओं को संरक्षण करें। वो नहीं करते तो हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, हम अपने आप को, हमारे भाषा धर्म संस्कृति को संरक्षित करें। और उसी मुहिम में साथियों, हमारे जो मान्यता है, इन मान्यताओं के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने कहा, ये मत हो, मैंने एक जगह लिखा है कि ये भूल हमसे नहीं होना चाहिए। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे जयपाल मुंडा जी थे, उन्होंने इस समुदाय को एकजुट रखने के लिए, आदिवासी एकजुट हो, आदिवासी का रीति रिवाज परंपरा उसकी मान्यता है, धर्म एक हो, उसके कारण उन्होंने इस समुदाय का नाम आदिवासी देने का प्रयास किया। लेकिन कुछ लोग उनका साथ नहीं दे सके साथियों, और दुश्मन को लगा कि अच्छा है, ये लोग बिखर जाएंगे, और इसलिए उन्होंने साथियों वहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शब्द को लाकर, और अनुसूचित सूची क्या होता है, सूची में आना और जाना लगा रहता है। चाहे तुम किसी धर्म के मानने वाले हो, चाहे किसी संप्रदाय के मानने वाले हो, वहां आप आ सकते हैं और जा सकते हैं। ये आज लगातार जारी है। यदि उस टाइम अनुसूचित जाति के जगह आदिवासी शब्द का कोई स्थापित कर दिया गया होता साथियों, तो आदिवासी की क्या आइडेंटिटी होती है, आदिवासी की क्या पहचान होती है, वो उसमें उल्लेखित होता है। जिस तरीके से यूएनओ ने आदिवासी होने की जो आइडेंटिटी बताई है, वो उस आइडेंटिटी को यदि वो पूरा करता है, तब वो आदिवासी है। इस तरीके से हमारे देश में भी उसके 11 बिंदु हैं, आदिवासी होने के, आदिवासी जनजाति होने के 11 बिंदु उन्होंने बताए साथियों, और उस 11 बिंदु में पूरी पहचान दी गई है। और इसलिए यही कारण है कि आज हम सूची में हैं, इसलिए हमारी सूची में ईसाई भी घुस गया, मुस्लिम भी घुस गया, सिख ईसाई और तमाम लोग भी आ जाते हैं, और वहां जाके उसे संवैधानिक जो फायदा है, विशेष फायदा संवैधानिक, उस संवैधानिक का फायदा मिलता है। हमारे लिए दरवाजे खोल दिए गए, आपकी संस्कृति को, आपके धर्म को, आपकी रीति और परंपराओं को नष्ट करने के लिए इस देश में षड्यंत्र हुआ, और संविधान के माध्यम से भी हुआ, संविधान की सूची के माध्यम से भी हुआ साथियों। जबकि वहीं पर संविधान में एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि दूसरे धर्म में जाता है, तो उसके संवैधानिक जो मान्यताएं हैं या संवैधानिक जो मिलने वाले लाभ है, उससे वो वंचित हो जाता है। लेकिन आदिवासियों को के लिए दरवाजा खोल दिया कि तुम मूल निवासी अपनी पहचान को पूरी तरह से मिटा लो। और इसलिए साथियों, आपके लिए संविधान में दरवाजा खोल दिया गया कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी धर्म को मानो, लेकिन आपकी संवैधानिक मतलब फायदे बरकरार रखेंगे। इस लालच में साथियों, कोई भी किसी भी धर्म में जाता चला गया, किसी को रोकने की कोशिश नहीं हुई साथियों, लेकिन अब रोकने का काम होगा। अब हम रोकने का काम कर रहे हैं कि जो आइडेंटिटी आदिवासी की है, यदि उस परंपरा को नहीं मानेगा, उस रास्ते पर नहीं चलेगा, तो उसके संवैधानिक मान्यताएं भी खत्म होना चाहिए। इस बात की भी हम लोगों को मुहिम खड़ा करना पड़ेगा। तब कहीं जाके एक बांध बनाना पड़ेगा, हमको एक रोक लगाना पड़ेगा, और वो रोक संविधान के माध्यम से होना चाहिए। इसकी भी डिमांड हमारे पास साहब हमारा है कि इस तरीके से कोई भी आके घुस जाए और कोई भी किसी को लेके बाहर कर दो। बहुत सारी जातियां मध्य प्रदेश में, कीर मीना पारदी जैसी हमारी टोटल जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी परंपराओं का निर्वहन करती हैं, लेकिन ऐसे को मध्य प्रदेश सरकार ने उनको बाहर कर दिया। और जो जिनकी रीति रिवाज परंपरा आदिवासी से नहीं मिलती, ऐसे लोगों को अंदर करने का काम किया, सूची में जोड़ने का काम किया। ये इस तरीके से बेईमानी हमारे साथ साथियों आजादी के बाद से लगातार हो रहा है। इस बेईमानी को हम लोगों को समझना पड़ेगा। इस बेईमानी को नहीं समझे तो साथियों, आने वाले समय में भी जिस तरीके से आप सोचते होगी कि हम धर्म कालम का के लिए आवेदन दे रहे हैं, आप डाल हो तो वो पाक चल रहे हैं। आप लोगों को जानकारी बता दूं, अभी एक जनगणना 2021 का एक प्रारूप तैयार हो रहा है, प्रारूप तैयार हो रहा है, और उस प्रारूप में क्या लिखा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैसे 6 धर्मों का उल्लेख है, उसमें 7वां का कोई कालम नहीं है, 7वां का कोई कालम नहीं है।
आपके लिए अनुसूचित जाति जनजाति और उसके ऊपर हिंदू करके लिख दिया गया है, अर्थात जब कलम नहीं रहेगा तो आप कहां लिखेंगे। हम तो कहते हैं कि इस देश के संविधान में को चलाने वाले लोग हमसे बेईमानी कर रहे हैं या इस देश के बहुत सारे लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं। यदि कोई धर्म नहीं मानता, यदि कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी नहीं है तो क्या वो मान लो नास्तिक है तो उसका नास्तिक है तो उसको धार्मिक स्वतंत्रता के आधार के तहत 25 जो धारा 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो उस धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार का साथ ही उसमें हनन हो रहा है। और इसलिए यदि 6 धर्मों के अतिरिक्त यदि नहीं दे सकते हमको कोर्ट या नहीं दे पा रहे कोर्ट, तुम्हारी अपनी मजबूरी होगी, आरएसएस की कोई मजबूरी होगी, तो हम कहते हैं कि मौलिक व्यक्ति के मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो मौलिक अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए। यदि हनन होता है तो साथी बहुत शीघ्र ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता ऐसी स्थितियों में हम जनजागरण करके लोगों को कहेंगे या तो हम इसका पूरा बहिष्कार करें, क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध है, ये इंसानियत के विरुद्ध है, ये संविधान के विरुद्ध है। इसलिए ऐसे जनगणना का हम लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, इस तरीके के एक मुहिम चलाना पड़ेगा साथियों। करते हुए कि आप